सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। जया, वन सेकेंड, ऑनरेबल मेंबर्स। जया जी, यू हैव अर्न्ड अ ग्रेट रेपुटेशन, यू हैव अर्न्ड अ ग्रेट रेपुटेशन। यू नो, एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर। यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर एवरी डे। I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say my tone? Jaji, fine. Sir. Sir. One thing. No. Sir. Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। आई ऑब्जेक्टेड टू द टोन यूज्ड बाय द चेयर। वी आर नॉट स्कूल चिल्ड्रन, वी आर ऑल एंड सम ऑफ अस आर सीनियर सिटीजन्स। I was upset with the tone, and specially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है। You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, buddhihin. ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way is being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. I need an apology. Bus. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair, he has to. तब तक क्या रणनीति मैम, तब तक क्या करेंगे? अरे, हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। वी आर ऑल टूगेदर, हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। नमस्कार मित्रों, राज्यसभा में आज सभापति जगदीप धनखड़ ने अपना आपा खो दिया। जिस तरह से वो जया बच्चन के बयान के बाद भड़के और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष भड़का, वो इससे पहले सदन में नहीं देखा गया। राज्यसभा में आमतौर पर सीट से विपक्षी सदस्यों को एक शिकायत रहती है कि उनको अवसर नहीं मिलता है, उनको मौका नहीं दिया जाता है। आज जब 12 बजे के आसपास जब प्रश्नकाल शुरू होने वाले थे, उससे पहले विपक्ष ने ये सवाल उठाया कि पिछले दिनों जब पीठ पर बैठे हुए थे घनश्याम तिवारी, बीजेपी के लीडर, सभापति की जगह पर, तब उन्होंने खड़गे के बारे में जो कुछ कहा था वो अपमानजनक था और उसके बारे में बात होनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जगदीप धनखड़ इस बात को लेकर, उनका अपना तर्क था कि सदन के बाहर हमारे चैम्बर में इसको लेकर एक सहमति बन गई है और दोनों के बीच में हमने सुलह करा दी है। लेकिन विपक्ष के कुछ सदस्य जब ये मांग करने लगे कि नहीं, सदन के भीतर में चूंकि ये मामला हुआ है, सदन के भीतर में अपमान हुआ है, जिस तरह की बातें हुई हैं वो नेता प्रतिपक्ष के लिए उचित नहीं है, तो उस पर उनको एक बार सदन में भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन वो किसी भी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं थे और इसको लेकर विपक्ष के बेंच से लगातार लोग ये तर्क दे रहे थे कि नहीं, ये होना चाहिए।
और ये तर्क वितर्क में कुछ लोगों को सुनना चाहते थे। स्पीकर ने, सभापति ने, जगदीप धनखड़ ने प्रमोद तिवारी को मौका दिया, त्रिची शिवा को मौका दिया, और उसके बाद वो जया बच्चन से आखिरी कमेंट लेना चाह रहे थे। और जब जया बच्चन ने भी कह दिया कि जो बॉडी लैंग्वेज है, और वो ख़ास तौर पर उन्होंने इंगित कर दिया कि आपके बॉडी लैंग्वेज में भी दिक्कत है, और यहीं से मामला बिगड़ गया। और ये मामला न केवल बिगड़ा बल्कि ये बात इतनी बढ़ गई कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सभापति के पूरे इस पूरे मामले में जिस तरह के उनके आग्रह थे, जिस तरह से वो इस मामले को परस्यू कर रहे थे और विपक्ष को अपनी आवाज़ नहीं उठाने दे रहे थे, विपक्ष के नेता जो कुछ कहना चाह रहे थे उनके माइक बंद थे और वो बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि उनके माइक बंद है और वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो सीट से ये कहा जाता था कि मैंने चूंकि आपको परमिशन नहीं दिया है तो इसीलिए आपका माइक ऑन नहीं हुआ है। ये भी एक नई चीज़ शुरू हो गई है सदन के भीतर, जो पहले परंपरा नहीं थी, जब सदन के मेंबर अपनी सीटों पर खड़े होते थे तो उनका माइक ऑन हो जाया करता था, आमतौर पे वो अपनी बात कह सकते थे, और अगर कोई वो बात आपत्तिजनक कहते थे तो उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब ये स्पीकर के हाथ में आ गया है ये कंट्रोल, और एक तरीके से जब स्पीकर या राज्यसभा में सभापति जब तक अलाउ नहीं करते हैं तब तक उनके माइक ऑन नहीं किए जाते हैं। ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है कि ये माइक कहाँ से ऑन हो रहा है, क्या ये सभापति की सीट पर ऐसा कोई बटन दिया गया है, या ये PCR जो संसद TV को कंट्रोल करता है वो PCR इसको कंट्रोल कर रहा है सभापति के निर्देश पर। तो ये भी एक नया सवाल आ गया है, और ये एक हाउस के अंदर तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि विपक्ष की बेंच से कोई भी जब खड़ा होकर कुछ कहना चाहता है तो उसे माइक ऑफ मिलता है, और आज भी यही हुआ, और इसको लेकर विपक्ष उत्तेजित था, और धीरे धीरे बात जो बिगड़ी तो बिगड़ती चली गई। ये वीडियो उसी के बारे में है, मैं समझता हूँ कि आपको मैंने पर्याप्त वजह दे दी है कि आपको ये देखना चाहिए कि सदन के भीतर किस तरह से कार्यवाही चल रही है, किस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही है, और किस तरह से विपक्ष की आवाज़ को पीठ से इजाज़त नहीं मिल रही है, और जिसका एक विपक्ष को बहुत बड़ा मलाल है, और आज विपक्षी दल के नेताओं ने बाहर में आकर भी अपनी बात रखी है। Let us proceed with the question hour. No, please. No one. Only Mr. Tiruchi Shiva. No one else. Observations. Okay. Please. Yes, Mr. Tiruchi. What is your observation, Mr. Tiruchi? Sir, number one, sir, kindly, whenever the leader of opposition gets up, give him the floor, sir, and listen to him, what he wants to do. That's my first request, sir. Second is, sir, as Mr. Tiwari told here, what I inferred because the what transferred was in Hindi. Sir, Pramod Tiwari, not that Tiwari, sir. No, sir. I recall, sir, one day Mr. Chidambaram asked you how 267 notice was preceded by another motion. How can you do that? And you were agitated because how can you ask, how can you do that? Sir, I told them, it is not how can you do that? How can you do that, sir? It's only the tone that matters. When you are being, something happened. The same will apply to the LOP also, sir. Please, sir. Fine. Jiaji, fine. Okay. One second. No. Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। जया जी, टेक योर सीट। Take your seat. One second, honorable members. Honorable members, bet here. I know how to deal with it. Bet here. Jaya ji, you earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know,
एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्टर. यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर एवरी डे. आई डोंट वांट टू रिपीट. आई डोंट वांट स्कूलिंग. आई एम अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ द वे एंड यू से माई टोन. No, no, no seat given to you. No, no, don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, no, not at all. I will not bear it. You think? One second, one second. One second. Please sit down. Please take your seat. No, no. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khadgeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know. You want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. Honorable members, Honorable members, honorable members, take your seat. Honorable members, एक सेकंड. ऑनरेबल मेंबर्स, व्हाट अ सैड डे. 9th August 1942, कॉल ऑफ महात्मा गांधी, क्विट इंडिया, एंड दिस हाउस पे ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स बिकॉज वी गॉट फ्रीडम. दे आर क्विटिंग पार्लियामेंट. They are quitting their duty.
They are quitting their oath to Constitution. They are showing back not to the chair or to the house, to the Constitution and their sense of duty. And how can we suffer? Leading lights of the ruling party, ultimate controllers of the opposition. Look at the difference. We are in the making of Bharat to be a Viksit Bharat. The world is recognizing us. Accolades are pouring in from all quarters. World Bank, IMF. And the rise is incremental. People are witnessing the rise. Infrastructure growth. We are on way to a development journey which people want to impede. I use this platform with all sense of responsibility. India is a peaceful country. India is a stable country. India has most functional, vibrant democracy. India has leadership continually in its third term. A history in making after 6 decades. India has leadership in Prime Minister that has global recognition. The nation is proud of it. And some people taking note of happenings in the neighboring country are engaging in inflammatory, condemnable narrative. And the ideology to which they subscribe is in silence. It has become a habit, leader of the house, with some of them, that a segment will speak out against the nation. A segment will set at float a narrative which tarnishes our institutions, demeans our democratic culture, weakens our progress, and they will expel the gentleman and take back. I make an appeal to all right-thinking people in the country. It is time for them not to observe silence. Such narratives have to be ambushed at the threshold. Can you see reason today? Last time they walked out with one slogan, LOP, LOP, LOP. Today what they walked out? One of the most experienced members of this house, 4 decades of experience, Ghanshyam Tiwari ji. His only transgression was he praised Mallikarjun Khadge ji. The praise was in Sanskrit. Mallikarjun ji Khadge was invited to my chamber along with Ghanshyam Tiwari ji. Threadbare matter was discussed. It was understood. There was quietus. But as a design, as a strategy, as a well-planned orchestration to find an alibi to walk out from the house, they stage it. I won't leave of the house. That if such misdemeanor takes place, even at the instance or of the leader of the opposition, I will try to avoid to an extreme degree taking a recourse which otherwise is unavoidable.